दोस्तों नमस्कार, मैं दितेश आप सबका फिर से स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। दोस्तों आप थंबनेल देखकर तो समझ गए होंगे कि हम लोग आज जा रहे हैं पिलखा पहाड़, जो अंबिकापुर से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर है। ये सूरजपुर जिले में पड़ता है और आप लोगों को मैं बताऊं कि बहुत सारी रोचक जानकारी आप लोगों को दूंगा, शायद उस चीज़ों की जानकारी आपको नहीं होगी। तो हम लोग पहुँच चुके हैं वहाँ पिलखा पहाड़ में और वहाँ नीचे में एक मंदिर है ऐसा, जो शायद इतना पुराना मंदिर हमारे आसपास में नहीं है। ये 17वीं शताब्दी की मंदिर है या उससे भी पुरानी। कहा जाता है दोस्तों कि इस पहाड़ के नीचे में इतना खजाना है कि अगर उसे निकाला जाए तो पूरे विश्व के 2.5 दिन का खर्चा इसमें से विश्व को पाला जा सकता है और पूरे भारत को 22 दिनों तक 56 भोग खिलाया जा सकता है। दोस्तों इसमें राम जी से भी जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियां हैं, लक्ष्मण जी के पाँव के निशान हैं। मैं सारी चीज़ें बताऊंगा एक एक करके, अगर आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है। दोस्तों अगर थोड़ा सा भी एडवेंचर में आप लोग को इंटरेस्ट है तो देखिए ये वीडियो, बहुत मज़ा आएगा आगे में। तो जैसे हम लोग जा रहे हैं, मैं एक ऐसा पानी के बारे में बताऊंगा जो पानी आप लोग देखते तो होंगे, पानी ये पानी पहाड़ से निकलती तो है लेकिन किसी को दिखाई नहीं देती है, क्योंकि अगर वहाँ पे आप सामने में रहेंगे तो वो पानी निकलना बंद हो जाता है और जैसे ही आप वहाँ से हटेंगे तो एक छोटा सा कुंड है जो बिल्कुल लबालब आपको दिखेगा। तो हम लोग वहाँ पहुँच चुके हैं, आपको मैं वो कुंड दिखाऊँ जिसे कहा जाता है छिपली पानी। जी हाँ, इसे छिपली पानी इसीलिए कहा जाता है कि जब तक आप उसके सामने में रहेंगे तो उसमें से पानी आना बिल्कुल बंद रहेगा, लेकिन जैसे ही आप उसके पीछे चले जाएंगे या थोड़ा सा आप नज़र से दूर हो जाएंगे तो ये कुंड आपको वापस फिर से ऐसे लबालब भरा हुआ दिखेगा। ये छिपा हुआ पानी कहा जाता है, इसे छिपली पानी लोग इसे पीते हैं। यहाँ पे पिकनिक मनाया जाता है तो लोग उसे पीना पसंद करते हैं, बहुत स्वादिष्ट पानी है। यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर भी है। इसे संरक्षण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसे सहेजने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारे देश से ऐसे ही धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें कम होती जा रही हैं। हम लोग एक गलत रास्ते पे चले गए थे और वहाँ से मैं बैक कर रहा हूँ गाड़ी को, आप लोग देख रहे होंगे कि ये सीन कैसे वापस हो रही है, लेकिन हम लोग फिर दूसरा रास्ता चेंज करके हम लोग आगे को बढ़ेंगे। दोस्तों ये वो मंदिर है जो मैंने आपको ड्रोन से दिखाया था ऊपर से, वहीं हम लोग पहुँच चुके हैं। आप लोग देख रहे हैं कि इसमें कहीं पर भी सीमेंट की जुड़ाई नहीं है और कहा जाता है कि 17वीं शताब्दी की है या उससे भी पुरानी। तो कुछ लोग हैं जिनसे मैं मिला हूँ, बात कराऊंगा मैं आपकी भी। तो यहाँ देख रहे हैं आप, चारों शिवलिंग यहाँ पे हैं जो कहा जाता है यह स्थापित की गई है, लेकिन कब हुई है इसकी स्थापना किसी को नहीं पता है। तो आइए उनसे बात करते हैं, कुछ बातें आप भी जानिए और कुछ मैं भी जानूँ ताकि आगे बढ़ सके, हम लोग कुछ बातें जान सकें। तो जैसा हम लोग को पता है कि हम लोग अभी पहुँचे हैं पहाड़ गाँव में, जो वहाँ पर एक मंदिर हम लोगों ने देखा, भव्य मंदिर है और बहुत ही प्राचीन मंदिर है, राधा कृष्ण जी की मंदिर है। तो सबसे पहले मैं, कुछ लोग हैं मेरे साथ में जिनसे मैं पहले उनका नाम जानना चाहूँगा। आपका शुभ नाम बताएंगे? मेरा नाम मटुकधारी सिंह। मटुकधारी सिंह, आप अपना नाम बता दीजिए। कृष्ण कुमार सिंह। और भाई साहब आप अपना नाम? भोला सिंह। भोला सिंह जी, मैं इन तीनों से थोड़ा सी कुछ जानकारी लेना चाहूँगा। जैसा कि मुझे जानकारी मिली है कि ये मंदिर 1700 ईस्वी की है जी, तो आप इसके बारे में क्या जानते हैं, कब से आपने आप देख रहे हैं इस मंदिर को? तो देखने के लिए तो हम लोग जन्म से देख रहे हैं। मतलब आप लोग हमारे जन्म से भी आगे का ये लगभग 1700 जी, वो तो बिल्कुल है, 1700 ईस्वी है, मतलब कि लगभग 200 साल पुरानी मंदिर है। हाँ। तो लेकिन आप लोग की धारणा है ये है कि ये 200 साल से भी ज्यादा है? ज्यादा है ना। दूसरा, मैं पहाड़ के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहूंगा कि ये पहाड़ जो है ये कैसे यहाँ पे स्थापित हुआ। कहा जाता है कि ये भी बहुत ही, इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, तो आप लोग मुझे इसके बारे में क्या जानकारी देंगे? तो इसके विषय में जानकारी यही कहानी जैसा आ रहा है कि यहाँ जिस समय बनवास के समय राम लक्ष्मण का यहाँ मैंने ठहरना हुआ, राम करने का वो समय आया रामगढ़ में, तो रामगढ़ से इस पहाड़ को देखा गया। तो ये लक्ष्मण जी यहाँ आए भी थे, ये मैंने पिलखा के बीचों बीच दो पहाड़ हैं इसके बीच में, और ये पहाड़ को बताया जाता है आदमियों के द्वारा कि पहाड़ को ले जा करके रामगढ़ में जोड़ना था। रामगढ़ जो यहाँ से लखनपुर रोड में है वो, हाँ। वहाँ रामगढ़ का पहाड़ है जी जी, वहाँ पे इनको ये इस पहाड़ को वहाँ जोड़ना चाहते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। तो वो क्या है कि इसके बाद वहाँ उनकी पांव भी है रामगढ़ में है या लक्ष्मण पांव यहाँ पे पिलखा पहाड़ में है, लक्ष्मण जी के पांव के निशान भी है। अगर हम वहाँ जाते हैं तो हमको वो दिखाएंगे। हाँ वो तो स्पष्ट है। और एक क्या बोलते हैं, भार लगाए वो दोनों तरफ से तो वो टूट गई, मैंने जो तो जैसा हम लोग जान रहे हैं कि ये पहाड़ को आखिर वहाँ क्यों ले जाया जा रहा था, ये मुझे मैं जानना चाह रहा हूँ। हाँ, तो ये बताया जा रहा है कि वहाँ ले जा करके वो रामगढ़ तो ऊंचा ही है, उसके ऊपर डाल के ऐसा बताया जा रहा था कि वो वहाँ से देखने से लंका स्पष्ट दिखता।
अगर रामगढ़ में ये पहाड़ पिलखा पहाड़ को रामगढ़ पहाड़ के ऊपर में रख दिया जाता तो वहां से श्रीलंका जो है जो लंका कहा जाता था वो वहां से दिखाई देना चालू हो जाता। दोस्तों इस पहाड़ को ले जाया जा रहा था लक्ष्मण जी के द्वारा रामगढ़ के पहाड़ के ऊपर में रखने के लिए ताकि वहां से वो आसानी से लंका देख सके जहां पे रामचंद्र जी और सीता जी थी वो। लेकिन आपको मैं बता दूं कि सबसे रोचक कहानी ये है कि इसमें वो रेणी के पेड़ के सहारे लेकर जा रहे थे, रेणी का जो लकड़ी होता है उसके सहारे ले जा रहे थे और वो टूट जाने से ये पिलखा पहाड़ वहीं के वहीं रह गया। जिनके पैरों के निशान हैं पहाड़ आप देख सकेंगे, दोनों आमने सामने में पहाड़ पड़े हुए हैं। तब से रेणी को कहा जाता है कि एक अभिशाप लग गया कि वो ना कच्चे में किसी काम आएगा ना वो पके में किसी के काम आएगा, वो उसकी सूखी लकड़ी भी किसी काम नहीं आती और जब तक वो कच्ची है या फिर कहीं की हरा है तब भी वो किसी काम नहीं आता। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक महामाया जी की मंदिर है जिसके बगल में एक तालाब है और आपको मैं बता दूं कि जहाँ भी महामाया जी की मंदिर होती है और उसके बगल में एक तालाब जरूर होती है। कुछ चीज़ें और दिखाऊंगा इसके खजाने के बारे में मैं आपको बताऊंगा और एक कुआं दिखाऊंगा जिसके बारे में। पूरा वीडियो देखते रहिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर से एक बार कर दीजिएगा। ढाई दिन का कहानी तो हमने भी सुना है और पहले से ही आ रहा है तो इसके बारे में कोई खोज नहीं हुई क्या? नहीं, 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 नहीं। इसके बारे में कोई खोज नहीं हुआ और हम लोग भी नहीं जानते हैं कि इसमें कौन सा ऐसा मैंने वस्तु है जो कि विश्व का ढाई दिन का काल्पनिक चल जाए। ये एक काल्पनिक भी हो सकती है बातें या फिर कुछ ऐसे दंत कथाएं हैं या आपके पूर्वजों ने ये कहानी बताया? पूर्वजों से कहानी आ रही है। तो क्यों ये पहाड़ यहाँ पर है, ये रामगढ़ क्यों नहीं जा पाया वो भी मुझे एक बार बताएंगे क्या आप लोग? नहीं, तो ये बताया गया कि लक्ष्मण जी जैसे भार बनाए और रेणी के बहिंगा लेकर के तो जब उठाने लगे तो मतलब टूट गया बहिंगा ही टूट गया। मतलब जो रेणी था लकड़ी वो टूट गया और पहाड़ वही जहाँ का यहीं पे रह गया। अभी तो स्पष्ट है निशान है लक्ष्मण जी का निशान है और बाकी हर चीज का प्राचीन। हम लोग एक कुएं के पास में हैं जो पीछे में झाड़ियों से भी ढक चुका है वो कुआं बिल्कुल पूरी तरह से, क्योंकि हम समझ में नहीं आ रहा, कोशिश करेंगे हम इसको फिर से आपको दिखाने की। हाँ, हाँ। तो मुझे इस कुएं के बारे में आपको क्या जानकारी है मुझे वो बताइएगा। कुआं तो प्राचीन काल उसी समय का है, राजाओं का ही है और ये 80 फीट गहरा है कुआं। 80 फीट गहरा मतलब बहुत ज्यादा गहरा? हाँ, बहुत ज्यादा गहरा। और जिस समय यहाँ से मैंने राजाओं का राज हटने लगा उस समय आक्रमण कुछ किसी राजाओं से हुआ तो जितना यहाँ के पट्टा जो था यही डाल दिए, मैंने रानी थी अकेली घर में और पूरा डाल दिए कुएं में। जो हम लोग खजाने की बात कर रहे हैं उसमें से कुछ हिस्सा मुझे लगता है इस कुएं में भी ऐसा है। हाँ, बटुआ जो है जोड़ा वाला बटुआ उसमें सीकर से जोड़ा हुआ है। अच्छा, जंजीर से बंधा हुआ है? जंजीर से बंधा हुआ है वो बटुआ यहाँ डाल दिया है। उसका इससे पहले कुछ साल पहले गैया गिरा था उसमें जो है एक पंडो जो था नीचे उतर करके निकालने लगा तो उसमें सीकर उसको मिला था। अच्छा, लेकिन झागर से जो फंसाते हैं। दोस्तों ये वो कुआ है जो सेकंड डे के ब्लॉग में मैंने आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ साफ सफाई हो चुकी है, जो झाड़ी थी वो कट चुकी है और इसकी चौड़ाई आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन जो इसकी बाउंड्री की चौड़ाई देखेंगे वो काफ़ी ज़्यादा है, 80 फीट यानी कि दोस्तों लगभग 8 मंजिला। तो ये काफ़ी गहरा ही है कुआ और कहा जाता है कि इसमें भी बहुत सारे ऐसे खजाने हैं जिसका आज तक कोई पता नहीं चल सका है। बस लोग कहते हैं कि हाँ कुछ तो है इसमें जो जंजीरों में फंसी है। तो आइए सुनते हैं उसके बारे में क्या कहते हैं लोग। धार्मिक भावनाओं की वजह से आप लोगों ने उसे छेड़छाड़ नहीं किया, जैसा है वैसा आप रहने दिया, लेकिन ये प्रूफ हो चुका है कि इस कुएं में कुछ वैसा है जो जंजीर से बंधा हुआ है और उसके अंदर में उसे डाला गया। दोस्तों ये वो मूर्तियां हैं जिन्हें किसने रखा आज तक किसी को नहीं पता, जैसे विरासत काल से चली आ रही है वैसे ही आज भी है, करीब 26 मूर्तियां आज भी वहां पे हैं। इसके बाद में थोड़ा सा एडवेंचर और करते हैं और हम लोग चलते हैं वहां जहां पे लक्ष्मण जी के पांव के निशान है। दोस्तों डरना बिल्कुल नहीं है क्योंकि जंगल है लेकिन हाँ भालू भी है, कभी भी हमला हो सकता है। तो मेरे साथ में मेरे सहयोगी हैं आयुष दास जो मेरे लगभग सभी ब्लॉग में रहते हैं और मैं उनको साथ में लेकर के जा रहा हूँ। डर हम दोनों को लग रहा है लेकिन ये ब्लॉग करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हमारे आसपास में ऐसी चीज़ें हैं जो हमको बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं है। मुझे लगता है कि आपको भी इस बात की जानकारी नहीं होगी क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं, कुछ खजाने यहाँ पे जहाँ कहा जाता है कि ऐसा खजाना है कि पूरा विश्व 2.5 दिन तक इस पर आश्रित हो सकता है। इस पहाड़ के नीचे में वो खजाना है और पूरा भारत 22 दिन तक छप्पन भोग कर सकता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कई सारे रिसर्च हुए इसमें लेकिन कोई रिसर्च यहाँ सक्सेस नहीं रहा, कुछ ना कुछ कारणों से उन्हें वापस जाना पड़ा। तो हम लोग वहाँ पहुँचेंगे जहाँ मैं आपको दिखाऊँगा कि लक्ष्मण जी के पैरों के निशान आज भी है और ये पहाड़ अगर यहाँ पे नहीं गिरा होता तो रामगढ़ का जो पहाड़ है जो उदयपुर बिलासपुर रोड में है वो बहुत ऊँचा रहता, आज भी वो बहुत ऊँचा है और वहाँ से श्रीलंका दिखता।
दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा दूं वो रेनी का पेड़ जिसके लिए इतनी बड़ी कहानी हो चुकी है, पहाड़ इकट्ठे हो चुके हैं और हम लोगों का ब्लॉग इतना लंबा जो आपने देखा है, हम लोग जान जोखिम में डाल करके ये ब्लॉग बना रहे हैं। वो रेनी का पेड़ आपने देखा होगा, इसे रतन जोत या फिर जोट्रोफा कहा जाता है। ये राम रेणी है दोस्तों, आपके घर के आसपास में एक रेणी होती है वो नहीं है, इसे राम रेणी कहा जाता है और इसे जोट्रोफा या फिर रतन जोत कहते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को एक बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी और दे दूँ कि सिलफिली से लेकर के ये पहाड़ गांव जो पहाड़ है पिलखा पहाड़, यहाँ तक में आपको कौवे नज़र नहीं आएंगे, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। अगले ब्लॉग में मैं कोशिश करूँगा उस चीज़ को भी कवर करने का, तब तक प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहिएगा। दोस्तों ये जो आप बड़े बड़े पांव देख रहे हैं ये हैं लक्ष्मण जी के पांव, इसके सामने में एक पहाड़ और जस्ट पीछे में एक पहाड़ आपको देखने को मिलेगा। लोग यहाँ बहुत ही श्रद्धा के साथ में आते हैं, नारियल चढ़ाए हुए हैं आप देख रहे हैं। इसके बाद में मैं आपको बता दूँ कि अगर आप यहाँ आते हैं तो थोड़ा सा हमारे टूरिज़्म को ताकत मिल जाएगी और शायद इससे ही शासन और प्रशासन का ध्यान जाए और शायद ये डेवलप हो सके। इसके सामने में एक आप पहाड़ देख रहे हैं और ठीक इसके पीछे में एक और पहाड़ है जो मैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि दो पहाड़ आमने सामने टूट कर गिर चुके हैं और उसके बारे में मैंने ये पूरा ब्लॉग बनाया है। दोस्तों कैसा लगा मेरा ये वीडियो, कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर थोड़ा भी पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।